दीपक धोंडगे करके है, इतवारा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में, शांतिनगर में रहता है। उनके घर पे 8 जनवरी को रात को 20 बजे के करीब उनके घर में कुछ एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था। उसमें वो इंजर्ड हुए थे और हॉस्पिटलाइज हुए थे। एमएलसी आने के बाद पुलिस के स्टेटमेंट में उसने कहा कि जो बल्ब रहता है वो बल्ब शॉर्ट हुआ और उसको थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस और कुछ जानकारी पता चले गोपनीय सूत्रों से, वहाँ पे कुछ तो एक ब्लास्ट ऐसा हुआ है। तो पुलिस ने वहाँ पे छानबीन की, इतवारा पुलिस ने, और वहाँ पे 10 डिटोनेटर मिले हैं। इसके आधार पे एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है इतवारा पुलिस स्टेशन में, इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये जो था दीपक धोंगड़े, इसको अरेस्ट किया है। उससे इंटरोगेशन करने के बाद पता चला है कि उसके कुछ एक रिश्तेदार है पवार करके, उन्होंने वो लाया था। तो इसका सोर्स कहाँ से लाया, क्यों लाया, इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो पवार जो है वो अभी तक मिले नहीं हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए एक 3 टीम गठित की है, अलग अलग जगह पे उनको हम ढूंढ रहे हैं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें ऐसे कुछ घातपात या इस तरह का कुछ सामने आया नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ नांदेड़ वासियों को कि डरने की कोई बात नहीं है। ये एक महज एक एक्सीडेंट जैसा प्राइम ऑफिशियली दिख रहा है, और इसमें कुछ किसी इंस्टीट्यूशन की या संगठना की साजिश है ऐसा अभी तक पता नहीं चला है। वो पवार को अरेस्ट करने के बाद खुलासा होगा, और जो भी कुछ जानकारी मिलेगी आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।